की डीसी न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे, तमो गर्म जोशी के साथ हुआ स्वागत। नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन। क्रिसमस के कार्यक्रम का हुआ आगाज। मानसिक रूप से कमजोर युवक ने की अपनी जीवन लीला समाप्त। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक युवक की जिसके द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दमोदिया थाने के जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत ये मामला सामने आया जहां पर एक युवक के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक का नाम सोनू मणा बताया जा रहा है। घटना के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। परिवार की माने तो सोनू मानसिक रूप से कुछ कमजोर था और उसके द्वारा ये अप्रिय कदम उठाया गया है जिसके चलते संपूर्ण परिवार जो है गमगीन बना हुआ है। इस मामले में पुलिस के द्वारा मार कायम किया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। भैया क्या नाम है आपका? क्या हो गया इनको? हम लोग गए थे काम पे, उन्हें हम लोग जब घर से आए काम से आए जब हम लोग 8 बजे घर जाते हैं, सवेरे 8 बजे घर जाते हैं काम पर, खदान जाते हैं, पत्थर पर काम करते हैं। जब वहाँ से हम 9 बजे खदान से लौटे तो 7 बजे भैया ने फांसी लगा ली। कोई ना वातावरण कुछ नहीं, उनकी शादी हुई थी जबलपुर में, उनकी दवाई चल रही थी। किस बात की दवाई चल रही थी? उनके दिमाग खत्म ऐसे उनको। क्या नाम है इनका? सोनू। कहाँ के रहने वाले हैं? आम चोपड़ा। कौन है आप? हमारे बड़े भाई हैं। रहने वाले आम चोपड़ा के? ये घटना कहाँ की है? घटना हमारी वहीं घर की घरे की है। कहाँ पर लगाई इन्हें फांसी? घरे में लगाई है, जंगला में हल्का सा जंगला था वहाँ। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दबाव। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश अनुसार प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष रेणुका कंचन के मार्गदर्शन में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। दबो के अलावा हटा, पथरिया, तेंदुखेड़ा में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा, इसके अलावा चेक बाउंस प्रकरण, कुटुंब न्यायालय सहित राजीनामा योग्य लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। सुलह कराई जाती है, दोनों पक्षों को समझाइश दी जाती है और समझौते के आधार पर प्रकरण समाप्त किए जाते हैं। उपस्थित अतिथियों के द्वारा अपनी बात रखी गई। आज ये साल की अंतिम लोक अदालत है और अपने दमोह जिले में 17 खंडपीठ बनाई गई है और बिजली में भी अच्छी छूट आ गई है, नगर पालिका में अच्छी आ गई है और जिस तरह से हमेशा दमोह प्रथम आता रहा है, इस बार भी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा निराकरण हो जाए प्रकरणों के। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, इसमें ना कोई जीतता है ना कोई हारता है, एक समझौता वाला जो मार्ग होता है जिससे लिटिगेशन कम हो और कोर्टों में कम दबाव हो, यही सब शुभकामनाएं सबको। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेंट करें और अधिवक्ताओं से भी यही अपील है और अधिवक्ताओं का अच्छा सहयोग हो रहा है, हो सकता है शाम तक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू जी सर। आज लोक अदालत का आयोजन किया गया है? जी आज लोक अदालत का आयोजन किया गया है 9 दिसंबर को, आज साल का आखिरी लोक अदालत है और लोक अदालत में ऐसे जो भी मामले रहते हैं सॉल्व नहीं होते उनको समझौते के माध्यम से सॉल्व किया जाता है और आज भी यही कोशिश रहेगी। तो ऐसे काफ़ी सारे मामले हैं जिनको समझौते के माध्यम से एक ही दिन में सॉल्व कर लिया जाए।
सर दमोह का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। दमोह का परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा है, बाकी अभी तक साल के पहले जो लोक अदालत थी उसमें भी बहुत अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन होने से रहा, और इस बार भी यही कोशिश है कि बाकी जिलों में अच्छा रहा। ये कॉन्सेप्ट लोक अदालत का जो त्वरित न्याय दिलाने का है अत्यंत सफल रहा है। पूर्व में भी हम सभी के अथक प्रयासों से, आपके अथक परिश्रम से काफी सफल कार्यक्रम हुए हैं, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस बार भी हम सब इसमें बहुत अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। संजय सरवरिया, लखीड़ी सी न्यूज़, दबाव। क्रिसमस के कार्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं। बीती रात क्रिसमस के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रार्थना सभा से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। क्रिसमस के यथार्थ को स्मरण रखें। वो यथार्थ या सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे पापों की खातिर मृत्यु को प्राप्त करने के लिए हुआ। मेरे और स्वयं के हृदय को उपहार स्वरूप उस प्रभु यीशु मसीह को दें जिसका जन्मदिन हम मना होगा। मैंने अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और पिता अब्राहम से विनती की और पुकार पुकार कर कहा, अब्राहम मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीव को ठंडा करे क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। लेकिन यह एक ऐसी जगह है जहां कोई विनती नहीं सुनी जाती, यहां कोई इस अवसर पर डॉक्टर विवर्त लाल एवं डॉक्टर नीलम लाल की विशेष उपस्थिति देखी गई। सभी को शुभकामनाएं दी गई। संजय सरवरिया, लखीड़ी सी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल आज दमोह पहुंचे। दमोह पहुंचने पर कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नोएडा में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित थे। उनका कहना है कि आज खुशी की बात है, दमोह जिले में मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी का पहला दिन है और जिले में इस बात के लिए चयन नोएडा का किया गया। मैं नोएडा वासियों को बधाई देता हूं। इस अवसर पर
नवनिर्वाचित विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी, पूर्व विधायक हटा पीएल तंतुबाय, कलेक्टर मयंक अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक सुनील तिवारी, सीओ जिला पंचायत अर्पित वर्मा, अपर कलेक्टर मीना मशराम, एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर चबेरा के नवनिर्वाचित विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने जहां अपनी बात रखी तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा न सिर्फ अपनी बात रखी बल्कि एक शपथ भी दिलाई गई। विषय है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत मेरे निज ग्राम नोएडा से हुई है। विषय है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में की शुरुआत में हमारे आदरणीय प्रहलाद पटेल जी इस यात्रा में भी इस मंच के माध्यम से और सभी अधिकारी गणों का, सभी कर्मचारी गणों का, सभी कार्यकर्ता बंधुओं का, माताओं बहनों का मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद। खुशी की बात यह है कि आज का दिन दमोह जिले में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का पहला दिन है और जिले में उस बात के लिए चयन नोएडा का किया गया। मैं नोएडा वासियों को इधर से बधाई देता हूं और अगला जो चरण होगा एक ब्लॉक में दिन में दो कार्यक्रम होने और मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रयास है कि जरूरतमंद कोई छूट गया हो तो उसे ढूंढने के लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी निकली है। एक समय जरूरतमंद अधिकारी और नेताओं के पास जाकर कहता था कि ये बात मुझे मिलनी चाहिए। आज हमारे जनप्रतिनिधि हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, जब दोनों मिलकर किसी गांव में जाकर जरूरतमंद कोई रह गया उसे ढूंढेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले 5 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में देश में कोई जरूरतमंद बचेगा नहीं और हम तब गारंटी दे पाएंगे कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी हमसे बेहतर होगी। मैं उनकी इसी क्लासिफिकेशन का समर्थन करता हूँ, देश में कोई ज़रूरतमंद ना हो, गरीब ना हो, जिससे ज़रूरत की चीज़ें ना मिल सके, ऐसा बचना नहीं चाहिए। दूसरा, मातृशक्ति के स्वाभिमान और सम्मान के लिए जो उन्होंने किया, ये सीढ़ियाँ लगातार हम बढ़ाते जा रहे हैं। शौचालय से शुरू हुए थे और आज जल जीवन मिशन से लेकर आरक्षण तक पहुँचे। मध्य प्रदेश ने ऐतिहासिक काम किया है, बेटी पैदा होने से लेकर लाली बहना तक जो काम हुए हैं उसका मध्य प्रदेश सरकार का अभिनंदन मैं करता हूँ। तीसरी बात है, मैंने जो बात पहले कह दी है कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी हमसे बेहतर होनी चाहिए, और चौथी और अंतिम बात कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कृषि है, इसलिए किसान को सम्मान भी चाहिए और उसकी उपज की कीमत वो मोदी ने दी है और इसलिए ये मोदी की गारंटी की गाड़ी, गारंटी की गारंटी देने की गाड़ी है और मैं मानता हूँ इसमें हमें सबको जुटना चाहिए, उसमें पत्रकार मित्र भी शामिल है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में आम जनमानस के साथ पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नोएडा से राज दुबे और अरविंद चौधरी के साथ संजय सरवरिया, लखीड़ी सी न्यूज। भटियागढ़ थाना अंतर्गत ग्राम गुगर से एक मामला सामने आया जहां पर दबा के धोखे में एक महिला के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। महिला की स्थिति बिगड़ी तो उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटियागढ़ ले जाया गया जहाँ पर्याप्त उपचार व्यवस्था न होने के चलते दमोह रेफर किया गया है। महिला का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। परिवार के लोग घटना के संबंध में बताते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साहब सिंह लोधी। और जिसने दवाई पी उनका? वो मेरी बहू है। काय पे हो दवाई पी ली? उनकी तबीयत खराब थी पहले से, तो वहीं वो दवा रखी थी वहीं वो, तो उनने दवा वो बुखार की समझ के वो पी ली। कहाँ से आए हो? घूगस। पहले कहाँ ले गए थे? भटियागढ़। उनने क्या बोला? उनने बोला कि दमो ले जाओ आप। नाम क्या है पूरा उनका? उनका दुर्गा भाई लोधी। थाना कौन सा लगा था आपको? भटियागढ़। आप उनकी कौन है? मैं जेठ हूँ उनका।
पति का नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह लोधी। अभी कौन कौन आया लीजिए? मैं आया हूँ साहेब सिंह लोधी, उनका पति भी है और उनका ससुर भी है। इससे पहले कहीं ले गए थे? जी, बटियागढ़ ले गया था। वहाँ से फिर यहाँ से बढ़ गया था। जी, कैसे आए? बोर्ड मैं जी किराए से करके लाया। 108 लगाया था फिर? जी नहीं, बोर्ड नहीं लगाया। महिला का उपचार जारी है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दबाव। बीती रात बाइक सवार एक गाय से टकरा गए, जिसमें बाइक सवारों को गंभीर चोट आने पर जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां से उन्हें जबलपुर रेफर किया गया है। बताया जाता है पटेरा के समीप के रहने वाले युवक उपचार कराने आए थे, वापस जा रहे थे, बीच रास्ते में यह हादसा हो गया। क्या घटनाक्रम है, संबंध में परिवार के लोगों के द्वारा बताया गया। आपको का नाम? सुनील। इंदौर जाने को? अशोक कुलजान। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? दवाई कहाँ आए? दवाई करावे आज ना, पटे रहे आज दवाई करा। फिर क्या हुआ? गेल में हादसा हो गया। आपको कैसे पता लगे? हम तो घर पे आते हैं, मैं तो फोन आया था जब हम पता। कैसे भिड़े? उसे नहीं मरकर गऊ माता से गाय से। कहाँ पे भिड़े? फिर पहले कहाँ ले गए दिखवाने इनको? पटेरा। पटेरा से दमोला। आपके कौन कहा है? भज्जा। दोनों जन भाई हैं? हाँ, दोनों भाई हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? कोटा। कोटा। थाना कौन से लगाते हो? पटेरा। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। सागर जिले के गढ़ाकोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं को 3 दिवसीय EHBYC मॉड्यूल प्रशिक्षण दिया गया। 3 दिवसीय प्रशिक्षण होने पर आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण संबंधी परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें शिशु और छोटे बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के उद्देश्य क्षेत्र की समस्त आशा कार्यकर्ताओं को ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के दिशा निर्देश पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इसी दौरान टीकाकरण, शिशुओं और छोटे बच्चों के समय समय पर वजन लेने से संबंधित जानकारी भी दी गई, साथ ही मोबाइल में डाटा एंट्री करने संबंधी जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षक आशीष सराफ से हमने चर्चा की, तो उनके द्वारा जानकारी दी गई। आज हॉस्पिटल में किस चीज को लेकर आयोजन किया गया? हमारे यहाँ CSC गढ़ाकोटा में EHBYC प्रशिक्षण छोटे बच्चों की गृह आधारित, पहले आशाएं HBLC करती थी, 0 से 42 दिन के बच्चों की गृह आधारित देखभाल करती थी। चूँकि शिशु मृत्यु दर और छोटे बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य को लेकर हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा आशाओं को 4 दिवसीय EHBYC प्रशिक्षण का ये आयोजन किया गया है, जो यहाँ रैली विकासखंड में 7 चरणों में पूरा प्रशिक्षण होगा, जिसमें एक बैच में लगभग 30 से 32 आशाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि पूरा शासन में पहले HBYC लोग करने जाती थी तो पूरा कागज में पेपर वर्क होता था, अब चूंकि इसको शासन ने ई नाम के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर डाल दिया है, तो इसमें यह है कि पूरा जो जानकारी है, लिखित मटेरियल हो चाहे ऑडियो हो वीडियो हो, पूरा डाटा आशाओं के मोबाइल पर दर्ज रहेगा। आशाएं फील्ड में जाके मोबाइल के माध्यम से अपना उनको आवश्यक जानकारी है, बच्चों की देखभाल है, जो आवश्यक सलाह है, अगर कोई बच्चे में कोई ऐसी स्थिति रहती है कि उसको आशा को लग रहा है कि बच्चे की कंडीशन रिफ़र करने लायक है, तो उसकी स्थिति देख के आशा उसको रिफ़र भी करेगी। बच्चा सामान्य है तो उसको पूरा कहा अन्य आवश्यक जो आवश्यकता अनुसार सलाह हुई आशा देगी। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गढ़ाकोटा में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेश अनुसार और अरुण कुमार साहब प्रधान जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सागर के मार्गदर्शन में, मनीष भट्ट जिला न्यायाधीश सचिव के दिशा निर्देशन में, व्यवहार न्यायाधीश आशीष ध्रुवे, व्यवहार न्यायाधीश पल्लवी सिंह एवं विधिक सेवा समिति की उपस्थिति में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ व्यवहार न्यायाधीश आशीष ध्रुवे, व्यवहार न्यायाधीश पल्लवी सिंह, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जबील कुरैसी ने पहले सरस्वती माँ की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर
अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष विनोद पटेल, कोषाध्यक्ष बहराम खान, विवेक भागवत सहित अधिवक्ता मुंशी एवं कर्मचारी गण मौजूद रहे। आज लोक अदालत का आयोजन होगा, क्या कर रहे? आज माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में तहसील विधिक सेवा समिति के पीठासीन अधिकारी आशीष दुर्वे, श्रीमती पल्लवी सैन के निर्देश पर यहाँ भी लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें फौजदारी, दीवानी और चेक बाउंस महिलाओं से संबंधित मामलों का बढ़ चढ़कर हमारे सभी साथी अधिवक्ताओं ने मिलकर लोक अदालत में राजीनामा कराए हैं और अधिक से अधिक राजीनामा करने के लिए लोगों पक्षकारों को प्रेरित किया है और यही लोक अदालत का उद्देश्य है और भविष्य में भी नेशनल लोक अदालत के माध्यम से और अन्य माध्यम से हम लोग राजीनामा करने के लिए पक्षकारों को प्रेरित करते हैं, जिससे समाज में द्वेष भावना या कुछ विवाद ना फैले और अमन से चैन से समाज में सभी लोग रह सकें। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। बुंदेली जलवा महोत्सव इस बार कुछ खास होगा। जहां फिल्मी हस्तियां होंगी तो वहीं देश और विदेश के कलाकार कला का जलवा दिखाएंगे। ऐसे में अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और आप कलाकार हैं तो निश्चित रूप से पंजीयन कराइए और अपना ऑनलाइन वीडियो हमें सेंड कर दीजिए, ताकि आप भी इस बड़े मंच पर अपनी प्रस्तुति दे सकें, क्योंकि बिना पंजीयन और बिना वीडियो सिलेक्ट हुए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सकते। तो जल्दी कीजिए और अपने वीडियो हमें सेंड कर दीजिए और जीतिए एक बड़ा इनाम। दमोगढ़ टाकी चौराहे के समीप स्थित श्री राम मंदिर में संगीत में श्रीमद भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कथा व्यास पंडित श्री रसिक बिहारी जी महाराज के मुखारविंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जा रहा है। किस माँ ने हमको जन्म दिया, जब बड़े हो जाते हैं वो माँ दूध पिलाना बंद कर दी। मैं दूरी पिलाई हूँ माँ, एक माँ और खड़ी है वो कह रही है बेटा चिंता मत कर, एक माँ ने दूरी पिलाना बंद कर दिया, आ जा मेरे पास। हमारा आपका जीवन और मरण माँ की छत से छाया है, और कैसे माँ ही काम आती है। मानव का नाता माँ से है, माँ का सहारा जन्म से लेके और मरण तक, माँ का सहारा है। गौर करना, लालन का पालन पोषण होते माँ दुलार में, लालन का पालन पोषण होते माँ दुलार में। मुख्य यजमान के रूप में बिहारी लाल स्वर्णकार एवं श्रीमती लक्ष्मी स्वर्णकार के द्वारा इस कथा को कराया जा रहा है। बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे दमो, गर्मजोशी के साथ हुआ स्वागत।
नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन। क्रिसमस के कार्यक्रम का हुआ आगाज। मानसिक रूप से कमजोर युवक ने की अपनी जीवन लीला समाप्त। ये थे मिजा की कुछ खास खबर। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर आप पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी डीसीएन दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल। उसके पहले अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप बूंदा बहु मंदिर में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर मैं बूंदा बहु मंदिर में अनुपस्थित हूँ, नहीं मिल पा रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, जिसके माध्यम से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आप राशिफल देख रहे हैं, इसमें भी मेरा नंबर डिस्प्ले पर आ रहा है, उस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब चर्चा करेंगे आपके आज के राशिफल की। प्रथम राशि मेष। मेष राशि के जातकों को आज का दिन फिर अच्छा है। आज आप कार्य क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता को प्राप्त करेंगे। आपका स्वास्थ्य भी आज उत्तम होगा। भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन फिर हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आपकी भाइयों से अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित गिरावट भी आज हो सकती है। ऐसे योग बन रहे हैं, लेकिन शिव आराधना करें, सब कुछ अच्छा होगा। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के जातक आज लंबी यात्रा को टालें। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप भी आज बौद्धिक कार्यों में सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। कर्क राशि। आपका राशि स्वामी चंद्रमा आपके अनुकूल है। आज आपको बहुत सुख प्राप्त होने वाला है। धन का लाभ भी होगा। पारिवारिक कोई मांगलिक कार्य भी घर में सिद्ध हो सकता है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा हानि भरा हो सकता है, लेकिन व्यापार आपका अच्छा होगा। स्वास्थ्य भी आपका उत्तम होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ आपको शाम तक हो सकता है। कन्या राशि। आज आप की चिंता दूर होगी, तनाव मुक्त होंगे आप, मन में प्रसन्नता आज फिर रहेगी आपको। आज फिर आपको धन लाभ के अच्छे योग हैं। सातवीं राशि तुला। आपके लिए दिन अच्छा है। आप कार्य क्षेत्र में सफलताओं को प्राप्त होंगे। मन में जो आप कार्य विचार रहे हैं, सोच रहे हैं, वह भी आपका सफल होगा। राशि स्वामी शुक्र आपके अनुकूल है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को भी आज का दिन अच्छा है। आज पुनः आप कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। भाइयों में आपको सहयोग प्राप्त होगा। घर में भी आपके कोई विशेष मांगलिक कार्य सिद्ध हो सकता है। धनुराशि। धनुराशि के जातक आज आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। आप प्रॉपर्टी का कार्य अगर करते हैं तो उसमें आपको धन लाभ के योग हैं। थोड़ी सी सावधानी आप मित्रों से संबंधित रखें, उसमें आपको हानि होने के योग हैं। शिव आराधना करें, लाभ होगा। मकर राशि। मकर राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा तनाव भरा हो सकता है। आप हनुमान जी की आराधना करें। अगर शिव मंदिर पास में तो शिव मंदिर में जाएं, आपको लाभ होगा। ग्यारहवीं राशि कुंभ। कुंभ राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य से संबंधित हानि हो सकती है। आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में भी आप सफल होंगे और इसके साथ साथ धन लाभ के भी आपको योग बन रहे हैं। अंतिम राशि मीन। मीन राशि के जातकों को आज का दिन विद्या लाभ के अवसर प्राप्त कराते हुए दिख रहा है। नक्षत्र आपके अनुकूल हैं। भूमि भवन आदि से संबंधित भी आज आपको योग हैं। स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।